की शुरुआत सो so, सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने नेशनल इनकम का जो क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन कह रहा है मनी इज रिसीव फ्रॉम ऑलरेडी इंक्लूडेड फ्रॉम दी सेल ऑफ सेकंड हैंड कार विल बी कंसीडर्ड टू दी वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ओके रीजन क्या कह रहा है देख लेते हैं देयर वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड एंड इट डस करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस हमारा क्या आंसर होगा इसके लिए हमारे पास फोर ऑप्शन है फोर ऑप्शन क्या है सबसे पहला जो ऑप्शन है बच्चों हमें क्या कह रहा है एक ऑप्शन इज वोट अशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अशर्शन ए कह रहा है बोथ एंड रीजन रीजन आर आर ट्रू इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अशन नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर सी अशेशन ए इज ट्रू एंड बट रीजन आर फॉल्स एंड डी इज अशन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आंसर करके बताओ जल्दी से आंसर करके बताओ हमने बच्चों नेशनल इनकम में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि किन किन चीजों को हमें इंक्लूड करना है किन किन को नहीं इंक्लूड करना है ये वाला जो है हमारे प्रिकॉशंस में से आया है क्वेश्चन बताओ इसमें से क्या होगा हमारा आंसर तो so हमारा आंसर क्या होगा बच्चों हमारा आंसर होगा डी इसमें है बच्चों की हमारा जो अशन है वो फॉल्स है और रीजन है बच्चों वो ट्रू है

दैट कोई भी जैसे हम कार का ही एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी कार बच्चों 2010 में मैन्युफैक्चर हुई थी ठीक है सो so, बच्चों 2010 में जब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हुआ उसी टाइम ये कार किसमें इंक्लूड होगी 2010 में या 2010 में इंक्लूड हो गई थी अब जैसे मान लो फाइव ईयर हमने उसका यूज किया 2015 में हमने उसको सेल कर दिया अब बच्चों यहाँ पे इस ईयर में जो हमारे नेशनल इनकम है या फिर हमारे प्रोडक्शन और यहाँ पे सर्विसेज में कोई भी गोड्स एड ऑन हुआ है क्या हम तो रीसेल कर रहे हैं हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू ऐड नहीं कर रहे ना ही हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सो मैम रीसेल हुए हुए जो प्रोडक्ट होते हैं वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं परचेज और सेल होते हैं पर पर यहां पे बच्चों अगर परचेजिंग और सेलिंग में अगर कोई ब्रोकरेज है कमीशन है वो जनरेट हुआ है तो उसको इंक्लूड करेंगे सो so, बच्चो असन हमारा क्या हो गया बच्चों यहाँ पे फॉल्स हो गया रीजन क्या कह रहा है देर वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू दी करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनकी जो वैल्यू है बच्चों ऑलरेडी जो लास्ट टाइम जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किया होगा उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है और बच्चों हमारे करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यहाँ पे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो रीजन क्या है बच्चों एकदम ट्रू है सो आर करेक्ट आंसर इज डी क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है पेमेंट ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्स बाय अ हॉस्पिटल इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ओके ये हमारा अशन है रीजन क्या कह रहा है यूनिफॉर्म आर प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल एट अ टाइम ऑफ वर्क इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ इंटरमीडिएट कंजप्शन सो बच्चों क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन चारों सेम ही है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे ऑप्शन ए क्या कह रहा है ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी कह रहा है ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट नॉट करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए सी ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चों सी ऑप्शन हमसे कह रहा है ए एंड ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स एंड डी कह रहा है आर आर ए इज इज फॉल्स एंड ट्रू सो क्या होगा हमारा आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर का आंसर बताओ हो, क्या होगा? ओके okay. सो so, बच्चों अशेषन हमसे क्या कह रहा है पेमेंट ऑफ यूनिफॉर्म ठीक है यूनिफॉर्म के लिए कोई भी नर्स ठीक है अब बच्चों पेमेंट ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्स बाय अ हॉस्पिटल हॉस्पिटल है बच्चों उसमें नर्सेस काम करती है उन नर्सेस के बच्चों यूनिफॉर्म के लिए क्या करा हॉस्पिटल ने पेमेंट किया इसको बच्चों हम नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे रीजन क्या कह रहा है जो यूनिफॉर्म प्रोवाइड की है हॉस्पिटल ने वो क्या है बच्चों एट वर्क के लिए ठीक है टाइम ऑफ वर्क के लिए यानी जिस टाइम में वर्क करोगे उसी टाइम के लिए वो यूनिफॉर्म गिवन ऐसा नहीं है कि आप उस यूनिफॉर्म को घर ले जा सकते हो या उसका कहीं और यूज कर सकते हो ठीक है सो बच्चों इसको हम ट्रीटेड ट्रीट करेंगे

टाइम ऑफ वर्क के टाइम ही क्या हो रही है बच्चों यूज हो रही है इसीलिए बच्चों ये यूनिफॉर्म क्या हो गया इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया ठीक है क्या हुआ इंटरमीडिएट कंजप्शन हुआ अब जो ये पेमेंट है जैसे मान लो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें जो ये पेमेंट ऑफ यूनिफॉर्म में बच्चों ये भी इंक्लूडेड होता है ये भी क्या होगा इंक्लूडेड होगा इसीलिए मैम ए इज द करेक्ट आंसर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है अश्वेशन हमसे क्या कह रहा है रियल जी डी पी चेंज इन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फेसिलेटिव इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल कंपेरिजन रीजन क्या कह रहा है इट इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इंडेक्स एंड अकाउंट फॉर एन इंक्रीज़ इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू दी प्राइस चेंजेस अच्छा रियल इनकम के रियल जी डी पी और नॉमिनल जी डी पी को हमने अच्छे से पढ़ा है आई होप सो इसका आंसर तो आप बिल्कुल करेक्ट दोगे आई नो इसका आंसर तो आप बिल्कुल करेक्ट दोगे सो बच्चो हमारे ऑप्शन सेम है ऑप्शन सेम है ऑप्शन ए क्या कह रहा है ए एन आर वो आर ट्रू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए B, क्या कह रहा है ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सी क्या कह रहा है ए इज आर इज फॉल्स डी कह रहा है बच्चों बताओ क्या होगा क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर हमारे क्वेश्चन का स्टूडेंट so

एक क्या लेंगे एक कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर एक बेस ईयर के बेसिस पे एक बेस ईयर की प्राइस के बेसिस पे सॉरी एक बेस ईयर की प्राइस के बेसिस पे हम क्या करेंगे मैम जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे यानी कि प्रोडक्शन कब हुआ है 2021 में हुआ है जितना भी प्रोडक्शन हुआ है 2021 में हुआ है देन मैम बेस ईयर जैसे मान लो 2012 2012 हमारा बेस ईयर है इस बेस ईयर में जो प्राइस थी इन गुड्स और सर्विसेज की इनके बेसिस पे हम क्या करेंगे बच्चों जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे ये हमारा क्या है रियल जीडीपी ये हमें पता है मैम आई नो इतना सभी बच्चों को पता है अब बच्चों पहला क्या कह रहा है हमें रियल जीडीपी शो चेंज इन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यस हमारा जो रियल जीडीपी होता है वो क्या बताता है बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितना चेंजेस हुआ है कैसे क्योंकि बच्चों हम एक कांस्टेंट प्राइस लेते हैं

में ही जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है उसमें देखते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है हर सेक्टर में या फिर हर स्टेट में कितनी ग्रोथ हुई है उसके उसके अलावा इंटरनेशनल भी क्या करता है कंपैरिजन करता है जैसे इंडिया की जीडीपी का कंपैरिजन हम श्रीलंका की जीडीपी से करते हैं किस बेसिस पे करते हैं बच्चों रियल जीडीपी के बेसिस पे करते हैं सो so बच्चों हमारा तो बिल्कुल सही है रीजन देख लेते हैं

ठीक है ये इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इंडेक्स को शो करता है और बच्चों ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बताता है और बच्चों यहाँ पे कितनी प्राइस में चेंजेस हुआ है उसके बेसिस उसके बेसिस बेसिस पे पे प्रोडक्शन में जो लेवल है प्रोडक्शन का लेवल वो कितना इंक्रीज हुआ है ये बताता है हमारा कौन सा रियल जी सो हमारे बोथ ऑप्शन इज करेक्ट बोथ ऑप्शन इज करेक्ट तो हमारा क्या होगा बच्चों ए इज अ राइट आंसर ए इज अ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है अशर्षण हमसे क्या कह रहा है बच्चों पब्लिक गुड्स पॉजेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ़ नॉन एक्सक्लूटेबलिटी ठीक है रीजन क्या कह रहे हैं इंप्लाइज दैट नो वन कैन बी एक्सक्लूड इन ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम दंजन ऑफ पब्लिक गुड्स इतना इजी क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन हमारे सेम है बताओ क्या होगा पब्लिक गुड्स पब्लिक गुड्स क्या होते हैं हमने ऑलरेडी हम जानते हैं पब्लिक गुड्स क्या होते हैं हम ट्रेन में बैठते हैं बच्चों हम इंडियन रेलवे का यूज़ करते हैं या फिर हम गवर्नमेंट बसेस में बैठते हैं अब बच्चों वो सारे क्या है पब्लिक गुड्स है जैसे पार्क हो गए जैसे रोड्स हो गई वो सब क्या है बच्चों पब्लिक गुड्स है सो so, बच्चों जो पब्लिक गुड्स हैं वो क्या होते हैं वो नॉन रिवाइवरीज होते हैं और क्या होते हैं नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी होते हैं अब नॉन रिवाइवरीज का मीनिंग क्या है बच्चों नॉन रिवाइवरीज का मीनिंग है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी पब्लिक गुड का यूज करता है जैसे आप पार्क में गए ठीक है आपने पार का यूज़ किया सो बच्चों पार का जो कंजप्शन है वो क्या रिड्यूस हो गया या फिर आप बच्चों ट्रेन में गए ट्रेन में बैठे मान लो आप दिल्ली से बच्चों कहाँ गए गुजरात गए सो बच्चों आपके ट्रेन में बैठने से या फिर उस फैसिलिटी या उस गुड्स को कंज्यूम करने से क्या वो अनदर पब्लिक के लिए कम हो गया नहीं मैम सो बच्चों नॉन रिवाइवल मीन क्या होता है कंजप्शन बाय वन पर्सन डज नॉट रिड्यूस कंजप्शन ऑफ अनदर पर्सन पब्लिक गुड्स का अगर एक पर्सन यूज करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे पर्सन के लिए वो रिड्यूस हो जाएगा ठीक है बच्चों एज नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे एक पर्सन को कोई भी बेनिफिट मिला है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे पर्सन को यह बेनिफिट नहीं मिलेगा ठीक है नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड इन टर्म ऑफ बेनिफिटिंग ठीक है सारे ही पर्सन को इक्वली बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है बच्चों तो हमारे असर्शन और रीजन क्या है बच्चों बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो हमारा करेक्ट आंसर इज ए इज अ राइट आंसर ए हमारा क्या होगा बच्चों राइट right आंसर होगा क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों हमसे कह रहा है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड लैंड आर अ पार्ट ऑफ बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों रीजन क्या कह रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर बाउंडेड टू गिव्स इट्स सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट इट इज गिवन इट्स सर्विसेज टू द ओनर ऑफ एन एंड आउटसाइडर बताओ बताओ ऑप्शन हमारे सेम है क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में रीजन के जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें हमेशा ऑप्शन एक जैसे ही रहते हैं बताओ क्या होगा आंसर जल्दी से बताओ कौन बताएगा कौन सा बच्चा बताएगा जल्दी से बताओ इम्प्यूटेड वैल्यू imputed वैल्यू value, imputed value, पता है ना imputed वैल्यू क्या होती है ओके okay, नहीं पता नहीं पता ओके okay, बताएंगे अभी इसके बारे में बताएंगे पहले बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ okay बच्चों सो so, अशेषण हमसे क्या कह रहा है imputed वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड लैंड ठीक है बच्चों एक ऑनर है ठीक है उसकी एक लैंड है जैसे मान लो एक है hey, एक पर्सन है इसकी एक लैंड है ठीक है अब बच्चों जैसे कि ये लैंड उसकी खुद की है उसमें ये एग्रीकल्चर करता है ए क्या है बच्चों एक पर्सन है उसकी एक लैंड है उसकी खुद की है ठीक है अब बच्चों ये उसके खुद की है ये उस पर क्या कर रहा है एग्रीकल्चर कर रहा है ठीक है अगर बच्चों ये लैंड उसकी नहीं होती अभी मान के चल रही है ये लैंड उसकी नहीं होती सो बच्चों उसको इसी लैंड पे काम करने के लिए मान लो कि टेन थाउजेंड पर मंथ रेंट देना पड़ता

सो मैम यस जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम देखते हैं यानी हम इनकम मेथड से मैम जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं सो so, मैम हम क्या करते हैं जो हमारी इम्प्यूटेड वैल्यू है इसको हम इंक्लूड करते हैं ठीक है इसको हम क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे इनकम मेथड में सो so, मैम ये हमारे डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट है क्योंकि ये इंडिया में ही है उसी के साथ साथ बच्चों ये हमारे नेशनल इनकम का भी क्या है पार्ट है सो so, अट्रेशन हमारा बिल्कुल राइट है अब बच्चों रीजन की बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर बाउंड टू गिव इट्स सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट इट इज अ गिवन इट्स सर्विसेज टू द ऑनर एंड अ आउटसाइडर So, बच्चों हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो गया लैंड लेबर कैपिटल और क्या है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर देन हमारा कैपिटल एंड देन क्या हो गया बच्चों हमारा ऑन्टरप्रन्य ठीक है ये चारों क्या है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है

रीजन हमसे क्या कह रहा है बच्चों रीजन कह रहा है इट डज नॉट कंसिडर मॉनेटरी एक्सचेंज एंड डज नॉट टेक इंटू कंसिडरेशन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट एसोसिएट विद एन इकोनॉमिक एक्टिविटी सो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों बताओ क्या होगा जल्दी से बताओ कौन बताएगा कौन बताएगा जल्दी से बताओ तो बच्चों अचल हमसे क्या कह रहा है जीडीपी जो है बच्चों जीडीपी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जीडीपी हमेशा इकोनॉमिक वेलफेयर को रिप्रेजेंट नहीं करता है ठीक है सो so जीडीपी में बच्चों जब भी जीडीपी का एस्टिमेशन होता है या जीडीपी इंडेक्स जो होता है वो वेलफेयर को दिखाता है तो कभी कभी जो जीडीपी है बच्चों वो ओवर एस्टिमेट होता है और बच्चों कभी कभी अंडर एस्टिमेट भी हो सकता है वेलफेयर ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट होता है बच्चों जो एक्सटर्नलिटीज है उसके बेसिस पे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है तो क्या होगा ओवर एस्टिमेट होगा और बच्चों पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है तो क्या होगा अंडर एस्टिमेट होगा अगर हम रीजन की बात करें रीजन हमसे क्या कह रहा है जो जीडीपी है बच्चों उसका कैलकुलेशन करते हैं तो बच्चों क्या कंसिडर नहीं करते नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज या नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हम इंक्लूड नहीं करते बिल्कुल जैसे कि हमारे घर में जो हाउस वाइफ्स होती हैं या जो होम मेकरस होते हैं यानी जो मम्मी होती है वो खाना वाना बनाती है अब वो क्यों करती है बच्चों क्योंकि वो फैमिली से या बच्चों से प्यार करती है इसलिए करती है सो बच्चों उनकी जो सर्विसेज है हम मॉनेटरी टर्म में यहाँ पे नहीं बता सकते इसलिए हम जी में इंक्लूड नहीं करते इसके अलावा बच्चों जो नॉन मोनिट्री ट्रांजेक्शन है

ट्रू है क्या सो so, बच्चों भी हमारा क्या है बच्चों ट्रू है सो बच्चों ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्लियर है सो so, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ए इज द राइट आंसर क्लियर ए इज द राइट आंसर ओके okay, स्टूडेंट तो आज के सेशन में हमने देखा था कि नेशनल इनकम से रिलेटेड और रीजन के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं और कैसे हमें उनका आंसर देना है इजी से क्वेश्चन थे आई होप सो कि आपको बच्चों समझ में आया होगा रीजन के क्वेश्चन के लिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए क्योंकि बच्चों ये क्या होते हैं ये जो क्वेश्चन होते हैं बिटवीन दी लाइन आते हैं सो तो हमें हर चीज को ईजिली आराम से पढ़ के एनालाइज करके बताने ठीक है सो बच्चों आप हमसे टेलीग्राम फेसबुक पेज व्हाट्सएप ग्रुप तीनों से ही जुड़ सकते हैं तीनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है okay, ओके so सो बच्चों अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा और बच्चों अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सो so सब्सक्राइब कर दे ओके स्टूडेंट सो आई होप सो कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा इसके अलावा इसके अलावा बच्चों में आपको एक और चीज बता दू यहाँ पे कि बच्चों अगर आप अगर आप हमारे चैनल पे जाओ अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के क्लास इलेवन ट्वेल्थ पे जाओगे बच्चों तो आपके सामने हमारे चैनल का पेज ओपन हो जाएगा अब जैसे ही हमारे चैनल का पेज ओपन होगा बच्चों आपको जाना है प्ले लिस्ट में अब जैसे आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो सारे ही सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे जैसे कि आपको अकाउंट्स के शॉर्ट्स मिल जाएंगे आपको इकोनॉमिक्स के शॉर्ट्स मिल जाएंगे ठीक है ये देखो वन शॉर्ट जो क्लास ट्वेल्व के जो वन शॉर्ट्स हैं बच्चों वो आपको मिल जाएंगे जैसे हमारा वन शॉर्ट है नेशनल इनकम का वन शॉर्ट है जिसमें हमने पूरे चैप्टर को बच्चों पूरे चैप्टर को हमने एक ही आर में या फिर एक ही वीडियो में यहां पे क्या करा है कंप्लीट करा है जैसे देखो इकोनॉमिक्स के सारे ही वन शॉट आपको यहां पे दिख जाएंगे ठीक है बच्चों यहां पे मिल जाएंगे इसके अलावा ये तो हमने वन शॉट का देखा है इसके अलावा आपको बच्चों कॉमर्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी कॉमर्स की प्ले मिल जाएगी जिसमें इंप्लॉयमेंट हो गया आपका नेशनल इनकम यहाँ पे बिजनेस स्टडी और बच्चों अकाउंट्स की पूरी प्ले है जैसे हम इंप्लॉयमेंट की बात करें बच्चों यहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर वीडियोस बनी हुई है जिसमें आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के इजीली आप वीडियोस को देख सकते हो दोनों ही प्लेलिस्ट का जो लिंक है यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी के साथ साथ बच्चों मैक्रो इकोनॉमी दोनों ही प्ले का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वन शॉर्ट जो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आई होप सो बच्चों की आपको वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू